नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ मुंबई की फेमस बड़ा पाव की सूखी चटनी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल दी हूँ 10 से 12 मिर्ची, लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची। तो इसको हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए मिर्ची भून गई है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी कढ़ाई में मैं फिर से लहसुन को भून लेती हूँ। ये भी 10 से 12 कली लहसुन है। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। तो इसको लहसुन भी भून गया, इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसी कढ़ाई में फिर से मैं नारियल का चूरा भून लेती हूँ। तो इसको भी हल्का सा भून लेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए नारियल का चूरा भी भून गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को भून लिए हैं। लहसुन को भी मैं छील ली हूँ। तो इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में इसको पीस लेंगे इस तरीके से। मिक्सी का जार ली हूँ, बड़ा वाला है। छोटे वाले में पीसेंगे तो आसानी से पीस आ जाएगा। तो देखिए अभी दरदरा पीसा है, तो इसमें मैं लहसुन को डाल देती हूँ। तो फिर से इसे मिक्सी में चला देंगे। तो देखिए लहसुन मिर्ची पीस गई है। तो इसी के साथ मैं नारियल का चूरा भी पीस लेती हूँ। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। तो देखिए हमारा चटनी बिल्कुल रेडी हो गया है, बड़ा पाव की सूखी चटनी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।